हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग समुच्चयों के संक्रिया पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि नहीं, दो समुच्चयों ए और बी के लिए, पहला देखिए क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बी के बराबर होगा यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। ये दोनों को इंगित करते हैं। अगर यह दिया है तो ये साबित करना है, ये दिया है तो ये साबित करना है। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई का मतलब ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। यही हमें यहाँ पे साबित करके दिखाना है। चलिए हम लोग पहले वाले के लिए चलते हैं। हम लोग पहले वाले में हम लोग मान लेते हैं, माना अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी दिया है तो सही सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है या साबित करना है कि ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। यह हमें साबित करना है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में ए और बी वाले सभी अवयव है, तो जाहिर सी बात है बी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि कोई एक्स अवयव है जो ए यूनियन बी में मिल रहा है। इसको समीकरण एक ले लो, इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनियन है तो ही ना आएगा जी। हमारे पास दिया है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये यहाँ कह रहा है, तो ए बी का सबसेट यानी कि जो ए में होंगे वो सभी के सभी बी में भी होंगे। तो एक्स ए में है तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू बी में भी लिख सकते हैं, या एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी हमने यहाँ पे दिखा दिया देयरफॉर ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी इज ए यूनियन बी का सबसेट है और ए यूनियन बी बी का सबसेट है। अतः लिख सकते हैं कि समीकरण एक तथा दो से ए यूनियन बी जो होगा बी के बराबर होगा, कब, यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी हो। अब हम लोग इसका विलोम देखते हैं, इसका विलोम की बात करते हैं। यदि ए यूनियन बी बी के बराबर है तो साबित करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। वो दिया है तो ये साबित करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मान लेते हैं यहां पर कोई अवयव x बिलोंग करता है a में, ठीक है, a में बिलोंग करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इंप्लाइज भाई x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि a में भी है और b में भी है, यूनियन का मतलब दोनों में होगा। चलिए यहां पर x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं हमारे पास, या फिर इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास दिया है, थोड़ा नीचे और लिखते हैं यहाँ पे कि a यूनियन b जो है ना b के बराबर है, तो यहां पर हम लोग इसको हटाकर यहाँ b भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि x a में मिल रहा है और x b में भी मिल रहा है, देयरफॉर a इज द सबसेट ऑफ b, यदि यहाँ पे कब, जब a यूनियन b b के बराबर है। तो हमने इसका विलोम भी साबित करके दिखा दिया, यानी कि दोनों से ये निष्कर्ष निकला कि अगर a यूनियन b b के बराबर हो रहा है तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई a इज द सबसेट ऑफ b, अगर a इज द सबसेट ऑफ b है तो a यूनियन b b के बराबर होगा, हमने ये दिखा दिया। अब चलिए इसके सेकेंड वाले के लिए चलते हैं, ठीक है, इसके सेकेंड वाले के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए ना कितने इंपॉर्टेंट ये प्रमेय दिए हुए हैं, इनको बेहतर तरीके से आप करिएगा तो देखिए आपका मैथमेटिक्स कितना मजेदार हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए के बराबर होगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, क्या नहीं मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो तो ए में होंगे ना, तो ये इसका सबसेट नहीं हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, माना कोई अवयव एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहां पर लिख सकते हैं x belongs to a intersection a, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल x belongs to a और x belongs to a,
हमारे पास ए इज द सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, तो जो अवयव एक्स ए में मिला वो बी में भी मिलेगा। तो यहाँ पे यहां लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या हो जाना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर में ए हो जाना है यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी दिया है तो। ठीक है, इसका विलोम देखते हैं। यदि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हो तो सिद्ध करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। चलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां मान लेते हैं कि कोई अवयव एक्स ए में मिल रहा है, तो ए में मिल रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हमने माना है। बिल्कुल। चलिए ए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, वो एक्स वे अवयव है जो ए में भी मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है। इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स ए इज द सबसेट ऑफ बी, हमें यही ना दिखाना था जी। ठीक है ना जी, हमें यही साबित करके दिखाना था। तो हमने यहाँ पे दिखाया, यहां से दोनों निष्कर्षों से क्या निकलता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाता है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए इज द सबसेट ऑफ बी दिया है तो ये हो जाएगा, ये दिया है तो ये हो जाएगा। तो हमने ये साबित करके आज की क्लास में देखा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई डॉट ऑनलाइन रवि कान सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे जाकर अपने पेड कोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।